हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं न्यू वीडियो में। और अभी मैं आपके लिए लाए है ये नोट्स है सिक्स सेवन चैप्टर से, नहीं सेवन स्टैंडर्ड के हीट चैप्टर का। तो ये हीट चैप्टर फिजिक्स का है। तो फिर आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लो ये सारे नोट्स। तो फिर लेट्स पढ़ते हैं, और तब तक आप लिख भी लेना पॉज करके या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। तो आइस इज कोल्ड एंड टी इज हॉट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर थर्मल इक्विलिब्रियम हीट डज नॉट फ्लो। अभी मतलब जो मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर सेम टेम्परेचर के, तो फिर हीट नहीं फ्लो होती है। हाउ टू मेजर अ टेम्परेचर इन रियल वर्ल्ड। टेम्परेचर टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अभी थर्मामीटर के क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो फिर थर्मामीटर के एडवांटेजेस है लिक्विड मतलब क्या है उसका? तो फिर वो जो थर्मामीटर है वो मर्क्यूरी का लिक्विड होता है। तो फिर वो मर्क्यू मतलब वो हमें बता सकता है कि हमारा क्या टेम्परेचर है। इजीली एक्सपांडेबल एंड कॉन्ट्रैक्टेबल। अभी जो उसकी जो मर्क्यूरी होती है वो जो थर्मामीटर की, वो मतलब इजीली एक्सपांड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तीसरा एडवांटेज है इसका कि वो गुड कंडक्टर होती है। मतलब मर्क्यूरी जो हीट की गुड कंडक्टर होती है। मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन अ टेम्परेचर टू मेजर टेम्परेचर थर्मामीटर सॉरी मर्क्यूरी इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर यूज होती है मतलब टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो अभी जो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अभी हमको बहुत सारी जगह पे मर्क्यूरी का थर्मामीटर नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें शायद मतलब वो हार्मफुल भी हो सकता है इसीलिए। पर हम जब लैब में जाते हैं, मतलब हमारे स्कूल के अगर लैब में पे दिख जाएगा। तो ये देखो टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, लैब एंड क्लिनिकल। अभी जो थर्मामीटर है, टू टाइप के थर्मामीटर है, लैब थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसे मैंने आपको बताया। तो देख एक बार इसको लिख लो या पढ़ लो। देखो व्हाट डज द क्लिनिकल थर्मामीटर डू। मेजर 35 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी इज अ पॉइजनस, सो द डॉक्टर्स आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर। अभी मतलब पॉइजनस हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अभी डिजिटल थर्मामीटर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अभी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की मतलब डेफिनेशन सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट इजीली थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। मतलब जो सब्सटेंस हीट को पास होने देते हैं उनमें से वो कंडक्टर्स है, एब्सोल्युटली वो कंडक्टर्स है। तो उनके एग्जांपल है गोल्ड और एल्यूमिनियम। सब्सटेंस दैट नॉट अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम देम आर एज नोन एज इंसुलेटर। अभी जो सब्सटेंस जो हीट को नहीं बोलते नहीं तो पास ही मत हो, तो फिर वो उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का कुछ एग्जांपल है प्लास्टिक, वुड, ऐसे कुछ एग्जांपल। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड ड्यू टू कोलिजन इज कॉल्ड कंडक्शन। अभी जो मतलब समझो सॉलिड, अभी जो सॉलिड जो हमने सीखा था चैप्टर में कि जब मतलब दो सॉलिड में हीट फ्लो होती है, तो फिर उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, और वो कोलिजन के वजह से होती है। तो सेकेंड, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि जब लिक्विड में हीट फ्लो होती है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो फिर एक बार बुक और नोट्स भी देख लेते हैं। देखो ये एक पूरा व्यू है, इसको लिख लो या फिर पढ़ लो, कुछ भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फेल्ट बाय अस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ हीट। अभी जो मतलब अभी हमको हॉटनेस लगता है, मतलब समझो अभी ये मतलब कौन सी चीज़ है, अगर हमको हॉट लगती है तो उसकी स्पीड ऑफ टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि वो हॉट है या कोल्ड है। अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ हीट